अस्सलाम वालेकुम फजल काकड़, आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चूँकि हालत काफ़ी डिफ़िकल्ट जा रही है, इसके बावजूद हमने हिम्मत नहीं हारनी। इंशाल्लाह हम डट के इसका मुकाबला करेंगे। ये हालात आते रहते हैं, वही लोग जीते हैं जो इसका मुकाबला करते हैं। इस वक्त सबसे मुश्किल हालात और सब पार्टियों में मुश्किल तरीन हालात इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे हैं, लेकिन हौसले भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा बुलंद है। अब यहाँ पे ये ज़रूरी है कि हमने ख़ान साहब का साथ देना है। मैं बजाते खुद सूबाई और कौमी असम्बली दोनों पे हमारा वोट जो है वो इमरान ख़ान का है। दूसरी बात जो बलिया की है, अगरचे बलिया हमारा ले लिया गया, इससे काफ़ी मुश्किल पैदा हो गई। पहले पूरे पाकिस्तान में एक बलिया के निशान पे इलेक्शन कम्पेन करना था, लोगों को बताना था और लोगों को गाइड करना था कि आप बलिया पे टप्पा लगाए और इमरान ख़ान को जितवाए। तो चूंकि बला वापस ले लिया गया, वी नीड टू गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप, और हमने इसका डट करके मुकाबला करना होगा। इंशाल्लाह जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो तो आज़ाद इस वक्त खड़े हैं और इन सबको आज़ाद इंतखाबी निशानात अलाट हो चुके हैं। अब हमें पहले से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। हर हलके में दो निशानात होंगे, एक तो जो सूबाई हल्के कैंडिडेट होगा और दूसरा कौमी असम्बली का जो कैंडिडेट होगा। हमने कम वक्त में ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना है, उसके इल्म में ये चीज़ लाना है कि आपके हलके में इमरान ख़ान का जो कैंडिडेट है सूबे लेवल पे उसका ये निशान है, और कौमी असम्बली के लिए जो खड़ा है उसका ये निशान है। अगर हम इस चीज़ में कामयाब हो गए तो उम्मीद है कि हमें रिज़ल्ट वही मिलेगा जो बले पे था। असल चैलेंज यह है कि पाकिस्तान की आबादी ज़्यादातर पर नाख्वानदा है, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी लाजमी है और इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, और ये हमारे लिए मसला है क्योंकि आबादी हमारी ज़्यादातर नाख्वानदा है। हमने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके लिए लाह अमलती किया है। उम्मीद है ये हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल वेबसाइट है www.insaf.pk, उस पर पाकिस्तान भर के सूबाई और कौमी असम्बली के नुमाइंदों की लिस्ट है, और कुछ टाइम बाद उस पर उनके इंतखाबी निशानात भी आ जाएंगे। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो ये स्टेप उठा लेगा। अपने हलके के नुमाइंदे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से खड़े हैं और उनके इंतखाबी निशान नोट कर लेंगे दोनों हलकों के लिए। अब जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या नाख्वानदा है या उनकी टेक्नोलॉजी तक एक्सेस नहीं है और या दूर दराज इलाकों में रह रहे हैं, ये हमारे लिए चैलेंज है। उसके लिए हर हलके की जो ख़ान साहब के साथी है, वर्कर है, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप एटलीस्ट अपने आसपास जो इलाके हैं, गांव हैं, वहाँ की जो नाख्वानदा है, या आप समझते हैं कि ये बंदा ये टूल और ये ट्रिक यूज़ नहीं कर सकेगा, तो आप उनके इल्म में ये ले आए कि आपके हलके में जो सूबाई असम्बली का नुमाइंदा है उसका इंतखाबी निशान ये है और कौमी असम्बली का जो नुमाइंदा है उसका इंतखाबी निशान ये है। आप इस पर इलेक्शन वाले दिन मोहर लगा दीजिएगा। मुख्तसर सी बात यह है, अब बेशक बले का निशान ले लिया गया, मुश्किलात ज़रूर है, लेकिन हिम्मत हमने नहीं हारी है। इंशाल्लाह जब तक इमरान ख़ान के हौसले बुलंद है, वो डट के खड़ा है, तो हम लोगों का हक बनता है कि उसका साथ दीजिए, और इंशाल्लाह साथ देंगे। जीत ख़ान साहब की होगी, पहले से ज़्यादा मेहनत करना होगा। अस्सलामुअलैकुम।